देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में गाय के नाम पर बड़ा घोटाला सामने आया, जिसमें गौशाला में गायों के लिए 25 लाख रुपए चारा और पानी के लिए खर्च कर दिए गए। मगर आश्चर्य की बात यह है कि गौशाला में गाय ही मौजूद नहीं है। हाँ, उत्तर प्रदेश में खेतों में फसल चरती गली मोहल्लों से लेकर सड़कों तक गाय जरूर घूमती नजर आ जाएंगी। गाय के नाम पर बड़ी बड़ी घोषणा करने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में गौशालाओं और गाय की देखभाल के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। गाय के संरक्षण के नाम पर सरकारी पैसे खर्च भी किए जा रहे हैं, लेकिन गौशालाओं से गाय गायब है। फिर ये पैसा जा कहां रहा है? यही नहीं, गौशालाओं में गाय की देखभाल के लिए मासिक वेतन पर गौ सेवक रखे गए, अधिकतर गौशालाओं से गौ सेवक भी गायब है। यानी गौ सेवक को मासिक वेतन देने के लिए नाम पर भी भ्रष्टाचार है। ये मामला यूपी के भरतना इटावा का है। कागजों पर ही बाड़े में गाय दिखा दी गई, कागजों पर ही चारा पानी भी दिखा कर जनता के पैसे डकार लिए गए। इस बेजुबान जानवर को पता ही नहीं कि उसके नाम पर योगी सरकार में इतनी बड़ी धांधली हो रही और वो खुद सड़कों पर भूखे मरने पर मजबूर है। ये हाल तब है जब बीजेपी और सीएम योगी गाय के सबसे बड़े रक्षक होने का दावा करते हैं। उसराहार से गौरव शाके की रिपोर्ट।